हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की, एंड राउंड 3 के अलॉटमेंट लेटर्स 21 को आने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द स्टेट शेड्यूल। तो काफ़ी लोग यार पैनिक में चले गए हैं और काफ़ी लोग मैसेजेस पे मैसेजेस कॉल्स कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो डोंट गेट पैनिक, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली में ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि ऐसा होना है। उसका रीज़न है बिकॉज MCC ने अपना शेड्यूल जो है वो लास्ट टू लास्ट वीक एक दिन के लिए लेट कर दिया था। मतलब बेसिकली MCC की जो रिपोर्टिंग लास्ट 18 अक्टूबर को होनी थी, वो उन्होंने लेट करके 19 अक्टूबर को कर दी थी। और जितने भी बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, MCC के थ्रू कहीं भी ज्वाइन करेंगे, वो डाटा उन्हें 20 और 21 को, पहले 19 और 20 को करना था, 20 और 21 को कंपाइल अप करके सारे स्टेट्स को शेयर करना था। सो दैट अगर कोई भी बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मूव कर गया है तो वो स्टेट की काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। तो ये जो डाटा था, ये पहले 20 तारीख को MCC को स्टेट्स को वो रेफ़र करना था, बट अब क्योंकि MCC ने एक दिन शेड्यूल लेट कर दिया था, ये डाटा MCC अब स्टेट्स को 21 तारीख को देने वाला था अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो होपफुली कल शाम तक या हो सकता है आज सुबह तक ये डाटा MCC ने स्टेट्स के साथ शेयर कर दिया हो। इसके बाद ही स्टेट्स अपने रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, इतना ज़रूर हो गया है कि जो हमारे पास 21, 22 और 23 तीन दिन थे रिपोर्ट करने के लिए नए कॉलेज में, वो अब कह सकते हैं अब तो 1.5 दिन ही रह गया है, ठीक है ना। हाँ, तो उसी हिसाब से ही हमें ये सिचुएशन को हैंडल करना है। पुराने कॉलेजेस, आई थिंक कई कई कॉलेजेस में बात हुई थी, तो पुराने कॉलेजेस जिससे आप अपग्रेड होके आए वो डॉक्यूमेंट्स देने लग गए, वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेके आ सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए अलॉटमेंट लेटर का, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो आप लेके आ सकते हो, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखिए। अदरवाइज वेट फॉर द अलॉटमेंट लेटर टू कम, बिकॉज नए कॉलेज में जिसमें आपको अपग्रेड होके सीट मिली है या न्यू अलॉटमेंट हुई है, वो तब तक आपको कह सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आप अलॉटमेंट लेटर साथ में नहीं लेके जाओगे। एंड अलॉटमेंट लेटर तभी आएगा जब पहले MCC स्टेट्स को अपनी जॉइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट देगा, उसके बाद स्टेट उसमें वेरीफाई करेगा। वैसे अगर इसमें थोड़ा सा और बताऊं तो पंजाब में स्टेट में राउंड 3 की लिस्ट में टॉप रैंकर्स में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ऑल इंडिया कोटा में मूव किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर की कैटेगरी में, टॉप कैटेगरी में कोई चेंज आनी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसे चेक किया है, कोई भी बच्चा पंजाब का जो राउंड थ्री में जिसे सीट मिली है उसमें से MCC में मूव करने वाला टॉप रैंकर्स में तो नहीं है। तो हरारकी में कोई ज़्यादा फ़र्क आने की चांसेस नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू वेट टिल द अलॉटमेंट लेटर। वेबसाइट फ़िलहाल डाउन चल रही है, आई होप एज अर्ली एज पॉसिबल ये सही हो जाएगी। बट इसमें किसी भी पेरेंट को, किसी बच्चे को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ़ोन पे कह रहे हैं सर रिज़ल्ट होल्ड हो गया है, रिज़ल्ट होल्ड हो गया है, क्या कुछ कैंसिल भी हो सकता है? अरे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा स्टेट सीट्स सिक्योर हैं, बस वो सिर्फ बच्चों को मैच कर रहे हैं। क्या किसी बच्चे के पास ऑल इंडिया कोटा में फ़िलहाल सीट होल्डेड तो नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में थे ही नहीं और आपके पास कोई सीट नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल भी घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो, डोंट गेट पैनिक, वेट फॉर द अलॉटमेंट लेटर, एंड अपने नए कॉलेज में रिपोर्ट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद ही करिएगा। उससे पहले रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास फिर भी 1.5 दिन है, काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, अगर स्टिल किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।